हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। इधर मैं 2 कप बासमती राइस ले लिया। बासमती राइस में पानी डालकर 15 मिनट छोड़ना पड़ेगा। हाफ के जी चिकन ले लिया मैंने। चिकन में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और 200 ग्राम कर्ड डाल दिया और अच्छे से सब मिक्स करके 20 मिनट्स तक ऐसे रखना पड़ेगा। और अभी आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और 2 बड़ी बड़ी प्याज को लंबी साइज कट करके वो तेल में डाल दिया। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और राइस बनाने के लिए एक बर्तन में पानी डाल दिया, 4 पीस लौंग, 2 पीस इलायची और 2 पीस पत्ता और 1 चक्र, 4 पीस दालचीनी, 1 टीस्पून नमक और आधा नींबू रस डाल दिया और 1 टीस्पून घी डाल के वो स्टोव पे रख लिया बॉईल करने के लिए। और 4 इलायची मिक्सी जार पर डाल के ग्राइंड करके साइड पे रखेंगे। अब मिक्सर जार पे लहसुन और अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ग्राइंड करके साइड पे रखेंगे। अब पहले ही बॉईल करने के लिए पानी रखे थे स्टोव पर, वो बॉईल हो रहा है। अब चावल डाल रही हूँ। अब 15 मिनट तक हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। पहले ही हम अनियन फ्राई करने के लिए रख लिया था, वो अब ब्राउन हो गया, एक प्लेट में निकालेंगे। पेस्ट थोड़ा फ्राई हो गया, अब डालेंगे चिकन। अब थोड़ा सा चिकन फ्राई करके ढक्कन लगा के रखेंगे, वो चिकन भी 15 मिनट्स तक बॉईल होना पड़ेगा। Thank you.
पूरा ड्राई रहता है, इसलिए दूध डाल रही हूँ। अब हमें कढ़ाई को दम लगाना पड़ेगा। और दम लगाने के लिए मैं चपाती आटा यूज़ कर रही हूँ। पूरा कढ़ाई का एड्स पे डाल दिया। अब फ्लेम ऑन किया है, पूरा लो फ्लेम पर 10 मिनट तक रखेंगे। अब 10 मिनट हो गया, वो अंदर पूरा पका हुआ है। देखेंगे कैसा बना है हमारा हैदराबादी चिकन बिरयानी। अब बिरयानी को दूसरी बर्तन पे निकाल रही हूँ। ये बिरयानी खुशबू भी आप शायद फील कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं लीला नागनाथ, मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।